हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल एडुस्क्वाड। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू ड्रॉ अ बट जॉइन। जो हमारे प्रीवियस टू लेक्चर्स थे उसमें हमने देखा था हाउ टू ड्रॉ अ लैप जॉइंट, और जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने रिवेट की थ्योरी देखी थी, जो रिवेट के टर्म्स हैं इस चैप्टर में यूज़ होंगे, जो वेरियस कैलकुलेशंस हैं, फार्मूलाज हैं, उसमें वो देखे थे। तो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो वो है हमारा सिंगल रिवेटेड डबल स्ट्रैप बट जॉइंट। ओके, सिंगल रिवेटेड क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने इन दोनों प्लेट्स को ज्वाइन करना है। फर्स्ट प्लेट जो ब्लू कलर से ड्रॉ की है, सेकंड प्लेट जो थोड़ा सा लाइट ब्लू है, स्काई कलर है, उससे ड्रॉ की है। ओके, इन दोनों प्लेट्स को मैंने ज्वाइंट करना था। अगर इन दोनों प्लेट्स को ज्वाइन करने के लिए अगर ऊपर मैं एक प्लेट लगाता जो रेड कलर से है, तो वो बनना था सिंगल स्ट्रैप सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट। लेकिन यहाँ पर एक नीचे भी प्लेट लगी है ग्रीन कलर की, तो वो क्या बनेगा, डबल कवर, क्योंकि दोनों तरफ है, डबल कवर सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट। सिंगल रिवेट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस प्लेट में भी एक रिवेट लगी है और इस प्लेट में भी एक लगी है, टोटल दो हैं लेकिन एक प्लेट में तो एक है, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे सिंगल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट। अगर मान लो एक रिवेट यहाँ पर और एक यहाँ पर और होती, तो उसको बोलना था मैंने डबल रिवेटेड, क्योंकि अभी एक प्लेट में दो आ गई, डबल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट। ओके, इसका डिफरेंस देखिए, जो प्रीवियस था उसमें जो हमारी बैक पिच थी वो थी 2D प्लस 6 mm, लेकिन इसमें कितनी है, 3D। 3D का मीनिंग क्या है, अगर मैं बट जॉइंट ड्रॉ कर रहा हूँ और उसमें प्लेट यहाँ पर एंड होगी, इन दोनों प्लेट्स में जो फर्स्ट रिवेट होंगे, इस प्लेट में फर्स्ट रिवेट ये वाला है, इस प्लेट में फर्स्ट रिवेट ये वाला, इन दोनों का जो गैप होगा वो होगा हमारा 3D, और इससे आगे जो रिवेट लगेगी उसमें गैप होगा 2D प्लस 6 mm। ओके, अभी जो 2D प्लस 6 है वो है हमारा चेन रिवेटिंग का केस। अगर हमारी होगी जिग जैग टाइप, तो उसमें गैप कितना रह जाएगा, 2D का गैप। ओके, 3D तो सेम ही रहेगा, लेकिन अगर टाइप जिग जैग बन जाएगी तो जो नेक्स्ट रिवेट होगी यहाँ पर, इन दोनों का जो गैप होगा वो रहेगा मेरा 2D इन केस ऑफ जिग जैग। अगर चेन रिवेटिंग का केस है तो उसमें बनेगा 2D प्लस 6 mm। तो आप इन जो फार्मूलाज हैं उनको अच्छे से याद कर लेना, चेन रिवेटिंग के केस में 2D प्लस 6 और जिग जैग के केस में सिंपल 2D, और जो फर्स्ट रिवेट्स होंगे बट जॉइंट में उन दोनों का गैप हमेशा रहेगा 3D। और सेम वही जो एंगल था फिलरिंग टूल का 10 डिग्री, फलरिंग टूल के ऊपर 80 डिग्री और 10 डिग्री, और जो यहाँ पर कैलकुलेशन देखिए, जो मेरा फार्मूला था D = 6√T, उसमें से मैंने थिकनेस कैलकुलेट की, डायमीटर मेरे को गिवन था, वो थिकनेस आएगी इस प्लेट की, ओके, जो सेंटर वाली प्लेट है, इसकी और इसकी दोनों की सेम होगी। और जो मेरा ऊपर कवर लगेगा, अगर तो मेरा कवर एक है, सिंगल कवर है, तो उसका फार्मूला था 1.125 × T। ओके, सिंगल स्ट्रैप की थिकनेस वो चाहे ऊपर है चाहे नीचे है, और अगर डबल स्ट्रैप है, एक ऊपर लगी है प्लेट एक नीचे लगी है, तो उसकी जो थिकनेस थी T1 = T2, उसका फार्मूला था 0.625 × T। तो जो इन दोनों की थिकनेस है वो कैलकुलेट की है मैंने इस फार्मूला से, 0.625 × T। अभी फ्रंट व्यू कैसे ड्रॉ करोगे आप, सेम वैसे पहले तो आप एक लाइन लगा लो यहाँ पर, और थिकनेस कैलकुलेट की है उससे एक लाइन लगा लो यहाँ पर, सेम थिकनेस की लाइन लगा दो, और उसके बाद जो डबल स्ट्रैप है उसकी थिकनेस की लाइन लगा दो, आपके पास 3 लाइनें लग गई। और उसके बाद सेंटर में एक लाइन मार्क कर दो जो इन दोनों प्लेट का एंड होगा यहाँ से, और यहाँ से 1.5D का गैप छोड़ दो, यहाँ से लेकर 1.5D का गैप छोड़ दिया, और यहाँ से 1.5D का गैप छोड़ दिया, और सेंटर लाइन मार्क कर दो। ओके, तो सेम वे से जो प्रीवियस जॉइंट था उसमें हमने डायमीटर लिया था, हाफ डायमीटर इधर और हाफ डायमीटर इधर, तो आपका यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन जाएगा ऐसे, और उसके बाद इसको सेंटर मानकर 0.8D की कंपस खोलनी है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.6D होता है, और जो रेडियस कितना बनेगा 0.8D, इसको सेंटर मानकर 0.8D की आप आर्क लगा दो, सेम वे से 0.D की आर्क इधर, और सेम वे से 0.8D और ऊपर भी 0.8D। ओके, रिवर्ट्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद आप क्या करोगे,
यहाँ से लेकर यहाँ तक का गैप है वो है हमारा मार्जिन। मार्जिन कितना था, 1.5 इंटू डी। यहाँ से लेकर 1.5 डी की एक लाइन लगा दो और ऊपर को 10 डिग्री का एक एंगल बना दो। यहाँ से प्लेट कंप्लीट और इधर आओ, इस सेंटर से 1.5 डी इधर आओ और 10 डिग्री ऊपर एक लाइन लगा दो, तो सेम वैसे इधर एक प्लेट कंप्लीट होगी। तो जो हमारी ऊपर वाली प्लेट थी वो कंप्लीट हो जाएगी। जो आप ध्यान रखना, रेवेट है ना यहाँ पर बीच, जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है उसमें कोई लाइन नहीं आएगी, उसमें कोई लाइन नहीं आएगी, और इधर भी वो खाली रहेगा बीच में से। और सेम वैसे आप जो सेंटर वाली प्लेट्स थी जिनको भी मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, यहाँ पर तो हमारा पहले एंड लग गया था, यहाँ से 1.5 डी, यहाँ से 1.5 डी, और इधर आप थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर कर वीवी लाइन बना दो, और थोड़ा सा इधर एक्सटेंड कर कर वीवी लाइन बना दो। और जैसे आपने ऊपर लाइन बनाई है अगर आपको डबल कवर दिया है, सेम वैसे आप नीचे वाली प्लेट बना दो। अगर आपको सिंगल कवर दिया होता तो आपने नीचे नहीं बनानी थी, सिंपल ऊपर एक प्लेट बना देनी थी रेड कलर की, ग्रीन कलर को छोड़ देना था। ओके, तो जो इसकी थिकनेस थी वो डी इज इक्वल्स टू 6 टू टी, और जो ऊपर स्ट्रैप है जहाँ कवर है उसकी थिकनेस थी 0.625 इंटू टी। अभी आप इसका फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया, इसमें आपका गैप 3D और यहाँ पर 10D, और यहाँ से लेकर सेंटर तक का जो मार्जिन था वो आएगा हमारा 1.5 इंटू डी, और जो यहाँ पर है वो है हमारा डायमीटर ऑफ द रिवेट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो भी क्या है हमारा डायमीटर ऑफ द रिवेट डी। ओके, अभी आप इसका टॉप व्यू देखिए, इसमें आप देखिए फ्रंट व्यू में पहले जो रेड प्लेट है वो छोटी है इसके कंपेरिजन में, और जो ग्रीन प्लेट है वो रेड के इक्वल है। ओके, जो सेंटर में जिन प्लेट्स को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ वो बड़ी हैं रेड से और ग्रीन से। तो सबसे पहले मैं जो ऊपर देख रहा हूँ रेड प्लेट वो बनाऊँगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन लगा दी। ओके, और जो ऊपर रेड पॉइंट थे, एक पॉइंट ये वाला और एक पॉइंट नीचे वाला, इन दोनों को नीचे प्रोजेक्ट कर दिया यहाँ पर, और दूसरे पॉइंट को यहाँ पर। ओके, तो इसको मैं नीचे ले आया, सेम वे से इधर से नीचे ले आया, और जो इसका सेंटर था इस प्लेट का उसकी भी मैंने एक नीचे लाइन प्रोजेक्शन खींच दी। ओके, तो जैसे प्रीवियस जॉइंट में किया था, जो छोटे वाला सर्कल होगा वो इसके डायमीटर ऑफ रिवेट के इक्वल होगा, और जो बड़े वाला सर्कल है वो किसके इक्वल होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस, और जो डायमीटर होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.6 डी। एक सर्कल बना दिया, और उसके बाद गैप कितना छोड़ूंगा मैं, जो हमारी पिच थी वो कितनी थी 3D, यहाँ से लेकर 3D तक का गैप छोड़ा, सेकंड सर्कल बना दिया, और उसके आगे एक और पिच का गैप छोड़ा, थर्ड सर्कल बना दिया, थर्ड रिवेट का टॉप व्यू। मेरी सिंगल रो कंप्लीट होगी जो लेफ्ट वाली थी। अभी मैं आऊँगा राइट वाली पे, अभी इन दोनों का डिफरेंस कितना रहेगा, जो बैक पिच थी वो बैक पिच ऊपर दी हमारे को 3D, जो 3D थी उतना गैप छोड़कर मैंने यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर दिया, और जैसे इधर सर्कल बनाए थे सेम वैसे एक और पिच का गैप 3D छोड़कर सेकेंड और थर्ड ऐसे सर्कल बना दिए, और जो ऊपर मेरा जितना गैप था रेड प्लेट का सेम गैप मैं यहाँ पर छोड़कर वीवी लाइन बनाकर रेड प्लेट को कंप्लीट कर दूंगा। अभी आप रेड प्लेट में देखिए, मेरे को ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन, प्लेट ऐसे पीछे को होगी ना, ऊपर वाली प्लेट की लाइन भी दिख रही है और नीचे वाली प्लेट की लाइन भी दिख रही है, सेम वैसे इस तरफ ऊपर वाली भी दिखेगी नीचे वाली भी दिखेगी। तो यहाँ पर जो मेरी लाइन्स हैं दोनों वर्टिकल लाइन्स, दोनों क्या आएंगी, डार्क आएंगी। ओके, दोनों क्या आ गई, डार्क लाइन्स आ गई। उसके बाद मैं बना रहा हूँ ब्लू वाली प्लेट। अभी आप देखिए जो ब्लू वाली प्लेट है, ब्लू वाली प्लेट यहाँ पर एंड हो रही है और यहाँ पर वो स्टार्ट है, तो यहाँ पर एंड थी, उसके बिल्कुल नीचे मैंने उसकी प्रोजेक्शन खींच दी। आप देखिए ये वाली लाइन ब्लू प्लेट की प्रोजेक्शन आ गई, और इस तरफ जो ब्लू वाली प्लेट है वो देखिए, मैं अभी यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूँ कि जो रेड वाली प्लेट थी वो मेरी सबसे छोटी थी, और जो ब्लू वाली प्लेट है वो रेड से थोड़ी सी बड़ी है, तो मैंने रेड से थोड़ा सा पोर्शन बाहर को छोड़ के यहाँ से बिल्कुल इसके नीचे यहाँ से लाइन लगा दी वीवी लाइन, और सेम वे से रेड से यहाँ से नीचे छोड़कर यहाँ पर लाइन लगा दी। अभी आप देखिए जो ब्लू वाली प्लेट है वो रेड के है तो नीचे, तो जो रेड प्लेट के अंदर लाइन लगेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक वो क्या आएगी, मेरी हिडन लाइन आएगी, डॉटर लाइन आएगी। ओके, ब्लू वाली लाइन कंप्लीट होगी। अभी आप आइए सेकंड, जो है हमारा थोड़ा सा स्काई ब्लू कलर, उसमें सेम वैसे प्रोजेक्शन यहाँ पर खींची,
तो बिल्कुल एंड तक प्रोजेक्शन जाएगी यहाँ तक। अभी इसकी एजम्पशन क्या है कि ये प्लेट थोड़ी सी मेरी ब्लू वाली प्लेट से भी बड़ी है, या इसको आप छोटी भी मान सकते हो। इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने ऐसा किया है, तो यहाँ से थोड़ा सा गैप छोड़कर ब्लू से थोड़ा सा ऊपर इस लाइन को कंप्लीट कर दिया। सेम वे से थोड़ा सा ब्लू को नीचे छोड़कर इसको कंप्लीट कर दिया। ओके, और जो सेंटर वाली लाइन थी वो दोनों की सेम ही है, तो वो डॉटेड लाइन ही आएगी। अभी आप देखिए, जो सेंटर में रिवेट बनाने थे वो आप जो छोटे वाला रिवेट है वो डी डायमीटर, छोटे वाला सर्कल डी का, और जो बड़े वाला सर्कल था वो इसका 1.6 डी का, और सेम वे से नीचे, और सेम वे से थर्ड, सेम वे से इधर बनेंगे। इन दोनों का जो गैप होगा वो 3D था, और जो इन दोनों का गैप वो तो पिच हमारी 3D फिक्स ही रहती है, चाहे चेन रिफ्टिंग हो चाहे जिग जैग रिफ्टिंग हो। उसके बाद जो है हमारी ग्रीन प्लेट, अगर तो आपको दिया है कि सिंगल कवर सिंगल रिफ्टेड था तो आप ग्रीन प्लेट को नहीं बनाओगे। अगर आपको दिया है डबल रिफ्टेड, डबल स्ट्रैप, डबल रिफ्टेड नहीं डबल स्ट्रैप दिया है, तो ग्रीन वाली प्लेट बन जाएगी। ओके, तो ग्रीन वाली प्लेट की अजम्पशन क्या है कि वो सबसे बड़ी है, ऐसे जो इसकी विड्थ है ना वो सबसे बड़ी है। तो यहाँ से थोड़ा सा बाहर को, यहाँ से गैप छोड़कर वेवी लाइन बना दी, और सेम वे से नीचे लाइन बना दी ग्रीन वाली। ओके, और जो इसकी प्रोजेक्शंस हैं, जैसे मैंने रेड लाइन की प्रोजेक्शंस खींची थी सेम वैसे ग्रीन की खींचूंगा। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखना, जो ग्रीन का ऊपर वाला एंड होगा बाहर वाला, वो यहाँ पर डार्क बनेगा क्योंकि वो मेरे को दिखेगा, उसके बाद वो नहीं दिखेगा क्योंकि वो ब्लू प्लेट के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से लेकर वो डॉटेड बनना था, लेकिन यहाँ से लेकर जो मेरी रेड लाइन थी वो आ गई, तो जो इसकी ग्रीन डॉटेड लाइन आनी थी यहाँ पर उसको कवर किसने कर लिया, रेड लाइन ने, तो मेरी ग्रीन डॉटेड लाइन यहाँ तक बन जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, और जो अंदर वाली होगी वो सारी डॉटेड रहेगी। सेम वे से नीचे जो ये वाला एंड है वो मेरा डार्क आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जो अंदर है वो हिडन रहेगा, और इधर वाला सारा ही हिडन रहेगा। और सेम वे से इस तरफ ये वाली लाइन डार्क आएगी, और जो बाकी हैं वो सारी हिडन, और सेम वे से यहाँ पर ये वाला कॉर्नर डार्क आएगा और ये वाली लाइन हिडन आएगी। ओके, तो जो आपने यहाँ पर फ्रंट व्यू देखा था उसमें जो सेंटर वाली प्लेट थी जिसको मैंने ज्वाइन करना था, उसकी थिकनेस थी टी, उसको मैंने फार्मूला कैलकुलेट किया था D6√T से, और जो आगे थी ऊपर वाली प्लेट और नीचे वाली प्लेट, जो हमारे स्ट्रैप थे जहाँ आप कवर बोल सकते हो, उसकी थिकनेस कैलकुलेट की थी मैंने। अगर सिंगल स्ट्रैप लगाया तो 1.125 T से, अगर डबल स्ट्रैप है तो उसका फार्मूला होगा 0.625 × T। और जो आप फ्रंट व्यू देख रहे हो आप ऊपर, वो मैंने अगर टॉप व्यू को मैं यहाँ से कट करूँगा सेंटर में से थ्रू सेक्शन AA, तो मेरे को ऐसा फ्रंट व्यू दिखेगा। अगर मान लो मैंने यहाँ से कट कर दिया तो मेरे को ऐसा फ्रंट व्यू नहीं दिखेगा, जो सेक्शन लाइंस हैं वो इस प्लेट के बीच भी आ जाएंगी। जो सेक्शन लाइंस हैं वो देखिए स्टूडेंट्स, रेड लाइन में मैंने ऐसी प्रोजेक्शन लाइन खींची है लेफ्ट की तरफ, नीचे लेफ्ट की तरफ, तो इसमें जो सेक्शन लाइंस लगेंगी वो इससे थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए। डिफरेंट होनी चाहिए मीन्स उनका आप एंगल चाहे तो एंगल ऐसे कर दो 90 डिग्री पे, 45 राइट की तरफ कर दो, लेकिन वो इसमें किया है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों का जो गैप है वहाँ से स्टार्ट कर दोगे इसको। ओके, इस सेक्शन लाइन को यहाँ से, तो टोटली कहने का मतलब है जो फोर प्लेट्स हैं, फोर की जो सेक्शन लाइंस आप लगाओगे, क्योंकि आपके पास तो एक ही पेंसिल होगी, तो उस पेंसिल से आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि फोर प्लेट्स में सेक्शन लाइन सारी सेम सेम सी लग गई, चारों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस दिखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा इसका टॉप व्यू, और ये था हमारा फ्रंट व्यू, ये था हमारा डबल स्ट्रैप सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट। अगर एक रिवेट यहाँ पर और लगा देता हूँ तो इस प्लेट में कितने रिवेट आने थे, दो, तो वो क्या बनना था मेरा, डबल रिवेटेड डबल स्ट्रैप बट जॉइंट। अगर मैं ग्रीन वाली प्लेट को काट दूँ और एक ही रिवेट लगाऊँ तो वो आना था सिंगल स्ट्रैप सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट, अगर रिवेट दो लगे होते तो सिंगल स्ट्रैप डबल रिवेटेड बट जॉइंट। ओके, ये थी हमारी चेन टाइप। अगर मान लो आपको दिया होता जिग जैग, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सेकेंड रिवेट बनेगा उसका गैप आएगा 2D, इन केस ऑफ जिग जैग कितना गैप आएगा 2D, इन केस ऑफ चेन रिफ्टिंग कितना गैप आता है 2D+6mm। ओके, तो जिग जैग में क्या बनना था, इन दोनों का आप सेंटर निकाल लो, इन दोनों का सेंटर आया यहाँ पर, इसके सामने रिवेट बनेंगी एक इधर और एक
इधर, ठीक है, ये केस आएगा हमारा जिग जैग रिवटिंग का, और जो इसकी थर्ड रो आएगी वो इसके सामने एक, इसके सामने दूसरा और इसके सामने तीसरा, वो हमारा केस बन जाएगा ट्रिपल रिवटेड का। ट्रिपल रिवटेड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसी प्लेट में मैंने तीन रिवेट लगा दिए, तीन प्लेट इसमें टोटल सिक्स लग जाएंगे लेकिन एक प्लेट में तीन, तो इसीलिए उसे बोलते हैं ट्रिपल रिवटेड बट ज्वाइंट। डबल स्ट्रैप अगर दो स्ट्रैप लगी हैं, अगर एक लगी होती तो उसको सिंगल स्ट्रैप बट ज्वाइंट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा डबल स्ट्रैप सिंगल रिवटेड बट ज्वाइंट, और जो प्रीवियस लेक्चर से उसमें हमने लैप ज्वाइंट देखा था, और जो स्टार्टिंग का लेक्चर था उसमें हमने रिवेट की थ्योरी देखी थी, फलरिंग कॉलकिंग वगैरह, तो अगर आपने वो देखे हैं ठीक है, अगर नहीं देखे तो आप उनको भी देख सकते हो। तो जो रिवेट थे हमारे वो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये था हमारा लैप ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट में टू रोज लगे हैं तो डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट बन गया, और ये था हमारा लैप ज्वाइंट, इसमें भी टू रोज लगी हैं लेकिन इसमें आप डिफरेंस क्या देख रहे हो, इसमें रिवेट्स एक दूसरे के सामने लगे हैं तो इसको चेन रिवेटिंग बोलेंगे, लेकिन इसमें एक दूसरे के सामने नहीं लगे, इन दोनों के सेंटर के सामने लगा है तो इसको आप बोलोगे जिगजैग टाइप। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगें तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।